नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा अमेजन की ग्रेट इंडियन सेल के बारे में, जिसमें दोस्तों हमें मोबाइल के ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों फाइनली अमेजन ने काफ़ी स्मार्टफोन के ऊपर अपनी जो प्राइस है वो दोस्तों ओपन कर दी है। तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये जो स्मार्टफोन है जिनकी प्राइस हमें देखने को मिल रही है, इसमें से दोस्तों आपके लिए कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी रहेगा, कौन सा फ़ोन आप खरीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फ्लिपकार्ट पर नहीं अमेजन पर शॉपिंग करते हैं, उन्हें अमेजन के प्रोडक्ट पसंद आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्राइस पे दोस्तों ये फ़ोन मिल रहे हैं सेल के अंदर, उनमें से आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी रहेगा कैटेगरी वाइज हिसाब से। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों को गेमिंग पसंद आती है, काफ़ी लोगों को दोस्तों वीडियोग्राफी करनी होती है, और काफ़ी लोगों को दोस्तों म्यूजिक वगैरह सुनने होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ गेमिंग ही करनी होती है, और काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जिनको एक बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए होता है। तो मैं दोस्तों कैटेगरी वाइज कैटेगरी बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी रहेगा इस सेल के अंदर। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको लेके आ चुका हूं अमेजन के दोस्तों एप्लीकेशन के ऊपर, और मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगा कि आपके लिए कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी रहेगा इस सेल के अंदर, क्योंकि दोस्तों काफ़ी स्मार्टफोन की प्राइस ओपन कर दी गई है। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ वन प्लस 9R की, ये देखिए जिसकी प्राइस दोस्तों आपको पता ही होगा जो लोग वन प्लस फोन चलाते हैं, इसकी प्राइस 40,000 रुपये है, बट ये आपको मिल रहा है 34,999 रुपये का, ठीक है दोस्तों। और प्लस दोस्तों इसमें आपको एक्स्ट्रा 3,000 रुपये का ऑफ मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, और बैंक ऑफर भी दोस्तों इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये आपको 34,999 रुपये का मिल रहा है इस सेल के अंदर। अगले दोस्तों डील की बात करूँ तो वो आ रही है दोस्तों वन प्लस नोड CE 5G। दोस्तों अगर आपको वन प्लस का एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो दोस्तों काफ़ी कम प्राइस मिले बट वन प्लस का ही हो, तो आप इस फोन से जा सकते हो वन प्लस नॉर्ड CE 5G, जो कि दोस्तों आपको मिल रहा है 23,500 रुपये का। मैं आपको किसी भी फ़ोन का दोस्तों फीचर के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको डिटेल में इनके फीचर के बारे में जानना है तो आप जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी फ़ोन के बारे में आप किसी भी साइट पर जाकर ट्राई कर सकते हो कि इसमें क्या क्या दिया गया है, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा हर फोन के बारे में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगली डील की बात करता हूँ दोस्तों तो वो है वन प्लस नॉर्ड 2 5G। दोस्तों ये फ़ोन भी आपको 30,000 रुपये के आसपास मिलता है, बट ये फ़ोन आपको मिल रहा है इस सेल के अंदर 28,500 रुपये का, प्लस दोस्तों 1,000 रुपये का कूपन कोड भी इसमें मिलता है, तो ये और भी कम का मिल जाएगा, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। दोस्तों इस सेल का सबसे धमाकेदार ऑफर है सैमसंग गलेक्सी M52 5G। दोस्तों M52 5G जो फ़ोन है ये आपको 3 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा अमेजन के ऊपर। और दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि जैसे सैमसंग की गलेक्सी ए सीरीज आती है, उस तरीके से ये फ़ोन आपको मार्केट में इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला जितनी जल्दी ए सीरीज मिलती है। तो आपको दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो आप अमेजन से ही खरीद सकते हो, ऑफलाइन के चक्कर बना पड़े। अगर आपको जो फ़ोन ऑफलाइन लेना है तो जो आपको मार्केट से मिलेगा सेल के कुछ टाइम बाद, वो भी दोस्तों एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद। तो ये फ़ोन आपको मिल रहा है इस सेल में 26,000 रुपये का। दोस्तों इसमें कोई ऑफर नहीं है, इसी प्राइस पे दोस्तों ये लॉन्च हुआ है, बट ये जो फ़ोन है इसके अंदर दोस्तों जो फीचर दिए गए हैं ये आपको सेम A52 5G जो आ जाए दोस्तों, A52S 5G जो आ जाए सेम उसकी तरह दिए गए हैं। सेम प्रोसेसर है दोस्तों, सेम डिस्प्ले है, डिस्प्ले दोस्तों उससे बढ़िया थोड़ी, सुपर एमोलेड है, कैमरे काफ़ी अच्छे हैं, प्लस दोस्तों इसकी बैटरी भी काफ़ी बढ़िया है उससे, और सारे फीचर दोस्तों उसके इसमें दिए गए हैं। तो काफ़ी लोग इस फ़ोन का वेट कर रहे हैं। ये दोस्तों जो फ़ोन है ये इस अमेजन सेल का काफ़ी अच्छा ऑफर है हर फ़ोन के देखने के बाद, इसके लिए दोस्तों काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे हैं, तो आप इस फ़ोन की तरफ भी जा सकते हो। अगर आपको एक सैमसंग का फ़ोन चाहिए 5G सपोर्ट के साथ, अच्छे प्रोसेसर के साथ, अच्छी बैटरी के साथ और एक बड़ी डिस्प्ले के साथ, तो दोस्तों आप इस फ़ोन की तरफ भी जा सकते हो। और दोस्तों इसमें एक अच्छी बात और ये भी है कि इसमें आपको 5G दोस्तों जो बैंड होते हैं वो 10 से ऊपर मिल रहे हैं। काफ़ी स्मार्ट फोन ऐसे होते हैं जिनमें एक दो बैंड मिलते हैं, बस आपको इसके अंदर मिल रहे हैं 10+ बैंड, तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी 5G आने के बाद, इस फोन की तरफ भी जा सकते हो। अगली डील की बात करूँ दोस्तों तो वो आ रही है, ये देखिए ओप्पो के A31 6GB और 128GB वाले वेरिएंट के ऊपर दोस्तों ये फ़ोन आपको सिर्फ 11,500 रुपये मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको HD+ डिस्प्ले मिलती है। बट काफ़ी लोग होते हैं जिनको एक ऐसा फोन चाहिए होता है जिसमें कैमरे काफ़ी अच्छे हों, दोस्तों आपको पता ही होगा कि ओप्पो और वीवो के फोन जो होते हैं इनमें आपको कैमरे काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों आप इन फोन को ही दे सकते हो जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ लिस्ट में, क्योंकि मुझे इतने पसंद नहीं आते ओप्पो के फ़ोन, तो आप इसमें देख सकते हो प्राइस वगैरह और मॉडल वगैरह के नंबर सब कुछ। अब मैं दोस्तों आपसे अगली डील की बात करूं तो फिर से भाई दोस्तों वीवो के स्मार्टफोन के ऊपर आपको कोई भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको इनमें
एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने मिल जाएगा एक्सचेंज करोगे तब। अगर आपको पुराना फ़ोन एक्सचेंज करते हो वीवो के किसी फ़ोन के ऊपर, इसमें देखिए यहाँ पे आपको 2500 रुपये डिस्काउंट देखने मिल रहा है, और यहाँ आपको दोस्तों 3000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने मिल रहा है एक्सचेंज करने पर। बट दोस्तों मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप वीवो के फ़ोन ही लेना चाहते हो और आप कैश पेमेंट करना चाहते हो, तो आप दोस्तों इससे बेटर है अपनी मार्केट से जाके लो। वहाँ दोस्तों जी फ़ोन आपको जो 2500 रुपये का मिल रहा है वीवो B20E, जी आपको 2250 रुपये तक में मिल जाएगा मार्केट में। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको माता पच्ची करनी पड़ेगी, ये फ़ोन आपको इससे भी कम कीमत मिल जाएगा कैश लेने पर। तो आप दोस्तों अपनी मार्केट में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों वीवो का कोई सा ही फ़ोन हो, बी सीरीज का, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। वीवो का X60G भी दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा, बट इस पर दोस्तों ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता, फिर भी ये आपको 30000 रुपये का समथिंग मिल ही जाएगा। दोस्तों ये कुछ ऑफर हैं जो हमें सेम ये इन फ़ोन के ऊपर देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों एक धमाके डील की बात करूँ तो वो आ रही है बिगेस्ट डील ऑफ द ईयर, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G, जो कि दोस्तों मेरे पास भी है, जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो देखिए जिसमें मैं आपको ये फ्लिपकार्ट की वजह अमेजन सेल दिखा रहा हूँ, जो मैं इसी फ़ोन में आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरे पास S20 FE है। दोस्तों ये फ़ोन इसका काफ़ी अच्छे वैल्यू पर आने वाला है सेल के अंदर। अब इसकी प्राइस दोस्तों क्या होने वाली है, ये अभी अमेजन पर मेंशन नहीं की गई है, बट एक तारीख को यानी कि एक अक्टूबर को दोस्तों इसकी प्राइस ओपन कर दी जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी प्राइस दोस्तों 1 अक्टूबर को ओपन हो जाएगी, तब दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि ये फ़ोन हमें किस कीमत में मिलने वाला है, क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ पे ये लोगो दे दिया गया है कि इस पर काफ़ी अच्छा ऑफर मिलने वाला है, लेकिन ऑफर में हमें दोस्तों कितना डिस्काउंट मिलेगा ये हमें अभी अमेजन की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो आप दोस्तों इस फ़ोन का ही वेट कर सकते हो, और आपको सैमसंग का S20 FE 5G वाला वेरियंट चाहिए तो आप इस फ़ोन का भी वेट कर सकते हो, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, कैमरे काफ़ी अच्छे हैं, और प्लस दोस्तों इस फ़ोन के अंदर हमें काफ़ी अच्छे फीचर भर भर के देखने मिलते हैं, जैसे दोस्तों IP68 रेटिंग, रिवर्स चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, और प्लस दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप इस फ़ोन का वेट कर सकते हो, आपको 1 तारीख को पता लग जाएगा कि आपको इसके अंदर कितना डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि अभी जो तो दोस्तों जो फ़ोन की प्राइस दोस्तों रिवील की गई है, इनमें से आपको किस फ़ोन का वेट करना है, कौन सा फ़ोन आप इस लिस्ट से लेना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आपको जो भी समझ में आ चुका होगा कि आपके लिए इस सेल में सबसे वैल्यू फॉर मनी फ़ोन कौन सा रहेगा, सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा रहेगा हर मामले में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।